हम लोग हैं अभी पटना के बोरिंग रोड में। अब अपने नाम के विपरीत ये जगह बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, पटना की मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस में से एक है बोरिंग रोड। आपकी रिक्वेस्ट थी कि बोरिंग रोड में कुछ अच्छा अगर स्ट्रीट फूड का ऑप्शन हो तो आप तक पहुंचाया जाए। आज हम लोग यहाँ आए हैं, एक्सप्लोर करेंगे कुछ अच्छे आउटलेट्स को और वहाँ का जो टेस्ट है वो आपके साथ साझा करेंगे। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन। चलिए बोरिंग रोड में कुछ, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है इसलिए कुछ आउटलेट्स को कवर करते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जो लाल बटन दिख रहा है ना उसके ऊपर आप समोसा मारिए, कचौड़ी मारिए या प्याजू मारिए, कुछ भी मारिए, वो सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। चलिए आइए। हम लोग हैं अभी बोरिंग कनाल रोड में और मेरे पीछे बहुत ही छोटी सी एक दुकान देख रहे हैं जहाँ पर कि बहुत ज़बरदस्त ब्रेड पकौड़ा, समोसा, कचौड़ी, प्याज और कि मिक्स पकौड़ियाँ और लौंग लत्ता, ऐसी चीज़ें मिलती हैं। काफ़ी फेमस जगह है ये। लोकेशन की अगर बात करेंगे तो ब्रिज स्टोन का जो आउटलेट है उसके जस्ट बगल में है ये जगह और सुबह करीब 9-10 बजे से शुरू हो जाती है, ऑपरेशन हो जाती है और रात को 9-10 बजे तक चलती है। अगर मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं तो करीब जो मेरी बात हुई करीब करीब 2000 से भी ज़्यादा पीस समोसे एक दिन में निकल जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी फेमस जगह है। पीछे जो आप मेरी भीड़ देख रहे हैं, शाम ढलने के साथ साथ ये भीड़ बढ़ती जाएगी और ये दुकान 24 साल पुरानी है। तो चलिए इस 24 साल पुरानी दुकान का टेस्ट आपके साथ साझा करते हैं, आइए। अच्छा देखिए, अभी हम लोग शुरू करने जाते हैं तब तक कुछ सब्सक्राइबर्स भी मिल गए हैं हमारे साथ। आप क्या यहाँ हमेशा आते हैं? जी जी, कॉलेज से छुट्टी होता है, इधर एक बार तो आना ही आना, एक बार आना ही आना। स्वाद कैसा है यहाँ? बहुत अच्छा। मतलब स्कूल कॉलेज हमारा 4 बजे ख़त्म होता है, 3 बजे उसके बाद एक बार यहाँ पे आकर के एक बार समोसा और वो अपना ब्रेड पकौड़ा तो टेस्ट करना पड़ता ही है। सबसे पहले तो भैया आपका वीडियोस देख करके, हम खुद BMC के स्टूडेंट हैं और आप लोग को देख के हम लोग मोटिवेट होते हैं कि चलो अगर भैया लोग कर सकते तो हम भी करें। अरे हम लोग भी घूमेंगे। एक तरह का मोटिवेशन भी आपसे मिलता है और ये मोटिवेशन देख के अभी हम BMC कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन संजेवियर से। अच्छा, बहुत अच्छा। तो बस इसीलिए बस आपसे एक बार मिलना, मतलब हम लोग मिल गए इतना ही काफ़ी था। अरे शुक्रिया। चलिए, बड़ी मशक्कत के बाद हमारा ब्रेड पकौड़ा मिल गया है और चटनी इसमें डाली जाती है। आइए थोड़ा साइड में आइए, दिखाता हूँ। चलिए जी, ब्रेड पकौड़ा आलू बहुत सही है इसका और चटनी और सब्जी के साथ दिया जाता है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आलू बहुत ख़तरनाक बनाया गया है इसका जो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि धनिया जो अपना धनिया होता है उसको ज़्यादा यूज़ किया गया है। चटनी इनकी बहुत टेस्टी होती है और यही चटनी है जो सब्जी में जब मिलाते हैं तो उसका टेस्ट को बढ़ा देती है, काफ़ी अच्छा करती है। गर्मा गर्म अगर आप खाते हैं इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। थोड़ा सा ठंडा हो गया है बट फिर भी स्वाद बरकरार है। चलिए अब अगली चीज़ ट्राई करके बताते हैं। तो हमने जो अगली चीज़ ली है वो है समोसा और एक बार आप साइज़ देख लीजिए समोसे का, डिसेंट सा साइज़ है। 12 रुपये मैक्सिमम चीज़ें जो हैं यहाँ पे 12 रुपये की मिलेंगी, लौंग लत्ता भी, कचौड़ी भी, समोसा भी, ब्रेड पकौड़ा भी और प्याज का जो है मिक्स पकौड़ा जो है वो सिर्फ 30 रुपये, 30 रुपये प्लेट है, बाकी चीज़ें 12 रुपये है। और आई गेस इसके अंदर भी जो आलू है ब्रेड पकौड़े के अंदर सेम आलू है क्योंकि देखने में वैसा ही लग रहा है। अच्छा, मैंने सब्ज़ी नहीं ली है, चटनी के साथ सिर्फ आपको इसका टेस्ट लेके बताते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ। टेस्ट बढ़िया है। आप लोग सब्सक्राइबर क्या हमारे? आ जाओ। अच्छा देखिए, खाते खाते हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं। क्या यहाँ हमेशा खाते हैं क्या? हमेशा खाते हैं। कैसा टेस्ट कैसा है? अच्छा, बहुत। एक दो दिन पे पेट खराब हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो और कहाँ पढ़ाई करते हैं? क्या कहाँ पर? वर्टेक्स में बगल में ही है। कोचिंग यहीं पर। चलिए बहुत बढ़िया।
क्या क्या यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगता है? मतलब समोसा ट्राई किया और लंगलता ऑप्शन में से नहीं था। हम समोसा और ब्रेड पकौड़ा ट्राई किया है। लंगलता अच्छा लगता है। वो भी ट्राई करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए समोसा काबिले तारीफ है, क्या ही बताऊँ। भीड़ से आप समझ सकते हैं क्या क्वालिटी है यहाँ की। आगे एक लंगलता ट्राई करेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे किसी और पॉइंट पर। लास्ट तक बने रहिएगा ज़रूर। चलिए नमकीन के बाद थोड़ा सा मीठा लंगलता लिया है हमने और इसको थोड़ा तोड़ के देखना था अंदर क्या क्या है। लंगलता क्या होता है ना कि इधर बिहार में एक बड़ी अच्छी मिठाई है, अंदर में खोआ भरते हैं, मैदे की रोटी बनाते हैं और उसके अंदर खोआ भरते हैं, फ्राई करते हैं इसको और चाशनी में डाल देते हैं, एक लौंग ऊपर में लगा देते हैं, इसलिए इसका नाम लंगलता हो गया है। कलकत्ता में भी बहुत फेमस है ये, लंगलतिका भी बोलते हैं इसको। टेस्ट करके बताते हैं। देखने से बहुत मीठी लग रही है मुझे, खोआ थोड़ा कम है और बाकी वो जो चाशनी है वो ज़्यादा है। छोटा सा टुकड़ा टेस्ट करके बताते हैं। बहुत बढ़िया, जो लंगलता में क्रिस्पीनेस होनी चाहिए वो इतने चाशनी के बाद भी वो बरकरार है और मिठाई है, प्रॉपर मिठाई है। यहाँ पे इतनी चीज़ें ही हैं जो हमने ट्राई की है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, अगर आप आते हैं ट्राई कर सकते हैं। हर एक मेन्यू में जो आइटम है उसका दाम मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं अब अपने अगले पॉइंट की तरफ। और हाँ, अभी तक वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको लॉन्ग लगते ही कसम सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए अभी है, ये है बोरिंग रोड, सामने मेरे देख रहे हैं मान्यवर मोहे इनका शोरूम है और उसके रोड के ऑपोजिट साइड जो रास्ता आता है यहीं पे आपको छोटी सा ये एक कार्ट दिख जाएगा और यहाँ पे बहुत ही अच्छी ब्रेड पकौड़े की खुशबू आ रही होगी आपको। भीड़ देख रहे हैं, भीड़ कितनी ज़्यादा है नरेश जी का ब्रेड पकौड़ा खाने के लिए। बात करते हैं यहाँ पे भैया हमारे साथ, क्या खा रहे हैं पहले ये बताइए। अभी तो मैं ब्रेड पकौड़ा खा रहा हूँ। ब्रेड पकौड़ा, और स्वाद कैसा और कब से आप खा रहे हैं ये? करीब मैं 2 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे और इनका टेस्ट भी बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जो कि मेरे ऑफिस में फेमस भी है। अच्छा, अगर किसी को भूख लगते हैं अगर ऑफिस में तो सीधा एक ही याद आता है कि नरेश जी का ब्रेड पकौड़ा ले आइए। नागेश्वर कॉलोनी ठेला पर ब्रेड पकौड़ा आना चाहिए, ब्रेड पकौड़ा आना चाहिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो कि पूरे मेरे ऑफिस में एक्सिस बैंक में जो मैं जॉब करता हूँ उसमें पूरा फेमस है इनका ब्रेड पकौड़ा। चलिए तो अभी हम 20 पैक करवा कर ले भी जाए। 20 पैक भी करवा रहे हैं? हर चीज़, आलू चप हो या प्याजू हो या मिर्चाई हो या कचरी हो, हर चीज़ इनका टेस्टी रहता है, हर चीज़। और ऐसा तो नहीं है जैसे शीट पे है तो तेल अच्छा नहीं हो या उस तरह? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं, एकदम कभी दिक्कत नहीं आई, कभी कोई दिक्कत नहीं आए, कभी वैसा कुछ लगा भी नहीं ज़्यादा खाने से कि पेट वेट अगर भारी हो, गैस हो रहा हो, कुछ ऐसा नहीं है, एकदम फ्रेश है, बहुत टेस्टी है, मज़ा भी आता है। चलिए हम लोग भी टेस्ट करेंगे, बताएंगे, बने रहेगा लास्ट तक। थैंक यू सो मच भैया। क्या ये कहना है? आलू चॉप। आलू चप है। क्या बात है, क्या क्या मिलता है यहाँ पे? आलू चप, प्याज, कचड़ी, ब्रेड, चार सामान। और रेट क्या रखे हैं? रेट आलू चप 5 रुपये, प्याजी 7 रुपये, ब्रेड 10 रुपये है, कचड़ी 10 का 8 है। अच्छा, रफ्तार हम देख रहे हैं आपका, गोली के स्पीड से आप ये आलू वाला छाने जा रहे हैं। कितना पुराना हो गया आपका ये दुकान? 25 बरस हो गया इसे। 25 बरस ये मोड़ पर 32 बरस है। 32 बरस है इसी जगह पे? मैं पहले वहाँ रहता था। अच्छा, कोना पर। और ये ब्रेड पकौड़ा वाला कब से कर रहे हैं काम आप? इसको 25 बरस हो गया। 25 बरस हो गया। जो आप जिस स्पीड से और जिस तरह से आप काम कर रहे ना, उसे समझ में आ रहा है कि बहुत एक्सपीरियंस है। समय क्या रखे हैं यहाँ पे खुलने का? 3 बजे। 3 बजे से कब तक? 8 बजे रात तक। 3 बजे से 8 बजे रात तक। अच्छा, जगह क्या बताया? अगर लोकेशन बताना होगा तो क्या बताया जाएगा? पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण जी का मकान है। पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण जी के मकान के पास में ही? हाँ, कोने पे ही, उन्हीं के गेट के पास है। उन्हीं के गेट के पास है। आप बोरिंग रोड नागेश्वर कॉलोनी है। बोरिंग रोड, वैसे नागेश्वर कॉलोनी बोरिंग रोड बोलते हैं। और मैं एक बार बोलूँगा जरा कैमरा घुमाने के लिए आपको, आप भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे कि लोग खड़े हैं लाइन में अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारा भी ऑर्डर बस अब लगने ही वाला है, ब्रेड पकौड़ा टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ का स्वाद कैसा है। चलिए, हमने ब्रेड पकौड़ा ले लिया है, रोड क्रॉस करने दीजिए, नहीं तो ब्रेड पकौड़ा के चक्कर में हमारा पकौड़ा बन जाएगा। एनीवेज, काफ़ी मशक्क़त के बाद ब्रेड पकौड़ा हमने ले लिया। ब्रेड पकौड़ा के साथ चटनी मिलेगी और एक हरी मिर्च मिलेगी।
ये है और काफ़ी गर्म है एकदम। ओ भाई, कढ़ाई में से सीधा निकलवा के ला रहे हैं। अच्छा, जो आलू इनका हम देख रहे थे, बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं दिख रहा था, बहुत फ्लैट था आलू। ऊपर से देखने में राई दिखेगा इसमें और आलू ही दिख रहा है, सिर्फ हरी मिर्च दिख रही है। टेस्ट करके आपको बताते हैं। अच्छा, मैं एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं करता हूँ जनरली, क्योंकि कढ़ाई में जो ना बहुत गर्म होता है जब निकलता है बाहर, तो जो चटनी होती है ना उसमें थोड़ी देर के लिए इस ब्रेड पकौड़ा को छोड़ दीजिए। वो पूरी चटनी को जब एक खींच लेगा अपना सारा रस, तो ज़बरदस्त हो जाता है। हाँ, क्रिस्पी नहीं रहेगा वो, लेकिन टेस्टी ज़रूर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक्चुअली जो असली टेस्ट है ना वो इनकी चटनी में है। चटनी में थोड़ा सा लहसुन और खट्टा करने के लिए कुछ इस्तेमाल किया गया है, दही भी है शायद इसके अंदर, और जो आलू ब्रेड पकौड़े के अंदर डाला गया है उसे बहुत, और जो आलू ब्रेड पकौड़े के अंदर डाला गया है बहुत माइल्ड रखा गया है। मुझे लगता है कि नमक, आलू, मिर्ची और काला जो राई होती है उससे छौंक लगाया गया है सर। ऊपर से थोड़ा सा काला नमक डाला हुआ रहेगा। स्वाद बहुत ही अच्छा है। भीड़ आप देख रहे हैं, 10 रुपये पीस मात्र इसका रेट है। सस्ता और ज़बरदस्त स्ट्रीट फूड। ख़त्म करेंगे, चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए, पकौड़ा खा लिए, अब थोड़ा सा ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। पास में ही इनका भैया का एक स्टॉल दिखा है, कलकत्ता फेमस कुल्फी फालूदा। और आपको पता है कुल्फी फालूदा मुझे कितना पसंद है। मौर्य लोक में हम लोग खाए थे और बहुत टेस्टी लगा था। बात करने पर चला कि आपके रिश्तेदार हैं क्या, वो जानने वाले आप ही गाँव से हैं क्या? मेरा ही गाँव का है। हाँ, तो एक ही गांव का सब हम लोग हैं। पूरा गांव कुल्फी फालूदा बनाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, इनका कुल्फी और फालूदा ट्राई करते हैं। अच्छा सुनिए, हाँ, फालूदा मत डालिएगा, रबड़ी के साथ हमको कुल्फी खिलाइए, ठीक है? ठीक है। कैसे खिला रहे हैं, क्या रेट रखे हैं? 35 का कुल्फी फालूदा है। अच्छा, 40 का मटका राबड़ी है। मटका राबड़ी? हाँ। मटका राबड़ी में क्या देते हैं? मटका में राबड़ी देते हैं। अच्छा अच्छा, खाली राबड़ी इसी में? हाँ, इसमें केवल राबड़ी मिलता है। अच्छा, एक नंबर है। और ऐसे कुल्फी फालूदा राबड़ी तीनों मिक्स करके भी 70 का मिलता है। कुल्फी फालूदा राबड़ी नहीं, तो हमको फालूदा मत डालिएगा, कुल्फी और राबड़ी खिलाइए। ऊपर थोड़ा रूह अफजा हल्का सा मार दीजिएगा, ठीक है? बनवाते हैं। चलिए, हम लोग ले लिए हैं, आइए साइड में आइए। चलिए, रबड़ी और फालूदा हमने ले लिया है। लोकेशन आपको बताया था, पतंजलि का ये स्टोर है, बोरिंग रोड कनाल रोड में ही, जी साहब जो बहुत बड़ी दुकान है उसके पास में ही है। वहीं पर छोटा सा कार्टन का लगता है औरंगाबाद वाले। टेस्ट करके आपको बताते हैं। बहुत बढ़िया रबड़ी, बहुत मीठी नहीं है, और जो कुल्फी है बहुत बहुत बेहतरीन, हल्का सा स्वाद है उसका। इलायची उसमें ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ऊपर से रूह अफजा डलवा लेते हैं तो टेस्ट बढ़ जाता है, नहीं चाहें तो नहीं भी डलवा सकते हैं। तो ये भी एक स्वाद है बोरिंग रोड का स्ट्रीट फूड में, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में बताइएगा। ख़त्म करेंगे इसको, आगे और भी चीज़ें आने वाली हैं, जाइएगा नहीं कहीं। अब हम लोग आए हैं अपने आखिरी पॉइंट पे, जहाँ पे ट्राई करेंगे समोसा। अब भाई आप सोचिएगा, ऐसा क्या है समोसे में, 40 साल पुरानी दुकान है मेरे पीछे संतुष्टि स्वीट्स, और फेमस इतनी है कि इस गली का नाम संतुष्टि गली रख दिया गया है। यहाँ का टेस्ट आपको लेके बताते हैं। जो खास चीज़ है यहाँ पे, जो समोसा बनाते हैं उसका आलू, मुझे आज तक उस तरह का आलू कहीं नहीं मिला। हल्का डार्क कलर का होता है, और स्पेशली जो चटनी देते हैं उसके साथ बहुत ही बेहतरीन होती है। चलते हैं, समोसा ट्राई करेंगे, एक आध चीज़ और मिली तो वो भी ट्राई करके आपको बताएंगे। आइए। समोसा दे दीजिए भैया एक। समोसा आ रहा है। ओह अच्छा, अभी आ रहा है, तो हमको आप कटलेट खिला दीजिए। समोसा का थोड़ा इंतज़ार करते हैं, भीड़ इतनी, एक पीस लाई, भीड़ इतनी ज़बरदस्त रहती है, माल आता है ख़त्म हो जाता है। चटनी, थोड़ा सा चटनी, ये इनका है कटलेट, ये भी काफ़ी फेमस है। चलिए जी, तो हमने कटलेट ले लिया है, गर्मा गर्म कटलेट है, 15 रुपये इसका दाम है। और चलिए कटलेट टेस्ट करके आपको बताते हैं। 15 रुपये कटलेट है, अंदर में सब्जियां, आलू और पनीर भी है एक, और जो ख़ास चीज़ है वो इनकी चटनी। चटनी का टेस्ट बाद में लेते हैं, तब तक आपको कटलेट का जो स्वाद है वो पहले बताते हैं। हल्का है, आलू का फ्लेवर ज़्यादा मिलेगा, खड़ा धनिया और बहुत हल्के मसाले, जब आप इसे चटनी में डिप कर देंगे स्वाद और बढ़ जाता है। चटनी थोड़ी मीठी सी है। समोसे का इंतज़ार करते हैं, उसका भी टेस्ट आप तक बताएंगे।
गर्मा गर्म समोसा और ज़बरदस्त सी चटनी, बहुत गर्म है, कढ़ाई में से डायरेक्ट निकल के ही आ रहा है। देखिए कितनी अच्छी बात है ये, कई जगह हम लोग देखते हैं तो जो बर्तन होते हैं दोना जो होता है वो थर्मोकोल का होता है, जिसमें गर्म गर्म खाना अगर आप डालें तो वो कैंसर का कारण भी होता है। यहाँ पत्तल जो हमारे पुराना समय से चल रहा है उस पत्तल के दोने में दिया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब समोसा है, मैंने बहुत बार खाया हुआ है, आज कैमरे पे आपके लिए टेस्ट करके बताता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको मसाला दिखाना चाहता हूँ इनका, आइए पास में। देखिए जैसा मैंने आपको कहा था, डार्क कलर का आपको ये आलू का मसाला मिलेगा और बहुत डिफरेंट मसाला होता है इनका, बहुत ही बढ़िया। 12 रुपये का एक समोसा है, आलू मटर ये चीज़ें दिख रही हैं, खुशबू बहुत यूनिक है और खुशबू ऐसी है कि जब आप इस रोड से पार करेंगे तो आपको बाहर से ही खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, टेस्ट करके आपको बताते हैं। और ये भी मेरी एक ट्रिक है कि अगर आपको जल्दी ठंडा करना हो तो चटनी में उसे लगा लीजिए और फिर टेस्ट बता सकते हैं। काफ़ी गर्म आलू का जो टेस्ट है ना, बहुत अलग लगेगा आपको, अदरक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगेगी इसमें, मसाले हल्के हल्के इस्तेमाल होंगे, धनिया का एक प्रोमिनेंट टेस्ट है और इन सब को इन्हांस कर देता है इनका ये मीठा वाला जो चटनी है, मीठी चटनी। ये शायद जहाँ तक मुझे लगता है रसगुल्ले के रस से बनाते होंगे क्योंकि बहुत हद तक ये मिलता है उससे। बाकी आलू बहुत अच्छा है। अच्छा, इस तरह के जो ब्राउन आलू हैं ये मैंने लखनऊ में खाए थे, शर्मा जी की चाय वाली जो वीडियो है हमारी, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई बटन उसका लिंक डालता हूँ। शर्मा जी के यहाँ भी ऐसे समोसे मिलते हैं लेकिन वो गोल गोल समोसे होंगे, स्वाद बहुत ही लाजवाब, 12 रुपये पीस, आइएगा टेस्ट ज़रूर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन। स्ट्रीट फूड की इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, वैसे ये स्ट्रीट पे तो नहीं है बट स्वाद बहुत ही अच्छा है, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। अगली वीडियो तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खाते रहिए, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।